वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था और वहां जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज 1/f = 1/v + 1/u। इसमें u क्या है, v क्या है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं ना, 1/f = 1/v + 1/u, इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन मैग्निफिकेशन। कुछ लोग इसे मैग्निफिकेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन। ये मुझे बताओ, मिरर हमने पढ़ा, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती थी वो सेम साइज की बनती थी। इसके अलावा जो हमने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह पढ़े थे तो उनमें हमने देखा था कॉन्केव मिरर कभी बड़ी इमेज बनाता था, कभी छोटी बनाता था, यस और नो? और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी ही इमेज बनाता था, ऐसा पढ़ा था अपन ने, राइट? तो मिरर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बड़ा या छोटा करके हमें दिखा सकता है। मिरर की इस पावर को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर? वैसे तो मैग्निफिकेशन कईयों टाइप के होते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, क्यूबिकल मैग्निफिकेशन, पर हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सिंपल मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन के बाद वो कुछ भी नहीं बोल रहा है उससे पहले, तो आप उसे लीनियर मैग्निफिकेशन ही समझना। क्लियर? तो बात आ रही है यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर वर्ड कहीं भी आ जाए तो ऐसा नहीं लगता लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन। और जहाँ लाइन है तो जाहिर सी बात है लेंथ है, और जहां सरफेस है तो वहां एरिया है, यस और नो? तो खैर, फिलहाल यहां पर हमारी जो बात हो रही है दैट इज अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन। तो फिलहाल मैग्निफिकेशन का आप मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को हमें बड़ा करके दिखा देते हैं। अगर मान के चलो कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है मेरे पास और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 3 है, तो इसका मतलब यह है कि 4 फुट लंबाई का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसे मुझे कितने फुट का करके दिखा देगा? 12 फुट का करके दिखा देगा। नहीं, यही बात समझ। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करते हैं? काय का साइज बढ़ाते हैं? ऑब्जेक्ट का। काय का साइज बढ़ाते हैं? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को आप ओ से डिनोट करते हैं। ओ इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई इज द लेंथ ऑफ द इमेज। मैंने बोला कि भैया एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर 3 है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 3 है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना वो 5 फीट का है। ऑब्जेक्ट का साइज दे रहा हूं यानी वो दे रहा हूं 5 फीट का, बोलो भैया, है ना? तो वो इमेज कितने साइज की दिखा देगा? 15। कैसे निकाला? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी? मैग्नीफाइंग पावर 3 थी, तो आपने इमेज का साइज कितना बताया? 15। कैसे आया? आई इज इक्वल टू, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई तो किया, यानी किस किस का मल्टीप्लाई किया? बोले भैया, किस किस का मल्टीप्लाई किया आपने? आपने 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया यानी ओ का एम से मल्टीप्लाई किया। जो बोला आपको समझ में आया? बोलो भैया, क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग ये बात समझ गए? ओ को अगर नीचे ले आऊं तो ये ऐसे हो जाएगा। बोलो भैया, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, और इसी एम को यहाँ पर बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आपको इतना डेप्थ वेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्लियर? मैग्निफिकेशन को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। क्लियर? मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर एम, और इसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। माँ, माँ के पर्यायवाची बताओ। मयो, वेरी गुड, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, मयो। हम लोगों की क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में मयो बोलते हैं, तो यही इसका फॉर्मूला है, पढ़ा लिखा है ये। एम बराबर मयो, हवाल बेच के बाद आइयो। क्लियर? तो एम बराबर आई अपॉन ओ। आई है यहाँ पर लेंथ ऑफ द इमेज, ओ है यहाँ पर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। चूंकि आई लेंथ ऑफ द इमेज है यानी लेंथ है ना, तो इसलिए इसका यूनिट होगा मीटर। ओ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ काय में नपेगी? मीटर में। मीटर से मीटर मिटक जाएगी, मिटक जाएगी नहीं मिटक जाएगी?
तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल एम। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है? और भी मैग्निफिकेशन होते हैं, आप यहां पर नोटिस करो, आपने इस फॉर्मूले को बोला लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही अगर एरियल मैग्निफिकेशन होता तो एरिया ऑफ द इमेज टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही अगर क्यूबिकल मैग्निफिकेशन होता वॉल्यूम ऑफ द इमेज टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर वो सब अपने को जानना नहीं है कि पहले जी समझ में आ जाए, सही है कि नहीं? क्लियर। तो किसी ने अगर मुझसे मैग्निफिकेशन पूछा तो मैं बता दूंगा द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। करेक्ट एवरीवन? सीन क्लियर है सभी को? आइए इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉन्केव मिरर के लिए, तैयार है हम लोग? ये बताओ कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। व्हाट अबाउट दिस? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के सरफेस पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो वो नॉर्मल कहां से ड्रॉ करते हैं? अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अच्छा अच्छा बताना अभी है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, आज कुछ नया करेंगे, ये लाइट रे है, काय पे पड़ रही है? पोल पे, है ना? अब मिरर क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कैसे जाएगी, आप ही बताओ कैसे जाएगी? काय पे जाएगी? फोकस से। हर कोई थोड़ी फोकस से जाती है, जो पैरेलल आती है वही फोकस से जाती है, हर कोई फोकस से नहीं जाएगी। ये तो सिंपल मिरर पे पड़ रही है, मिरर इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। बोलो भैया कौन सा फिनोमेना हो रहा है? रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या डलता है, कैसे ड्रॉ करूं? काय पे नॉर्मल ड्रॉ करना है? ओ हेलो, इंसिडेंट रे पे नॉर्मल ड्रॉ नहीं होता कभी, रैपटे के मारे अव्याल। उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ होता है जिस सरफेस पे लाइट रे गिर रही है। कौन से सरफेस पे लाइट रे गिर रही है? स्फेरिकल सरफेस पे लाइट रे गिर रही है, नॉर्मल कहां से ड्रॉ करूं? अभी यही तो पूछा था मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यही तो लाइन आ रही है, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल का ही काम कर रही है। यहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो काय का काम कर रही है? नॉर्मल का। सुना है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे, बताओ इसमें कहां बनेगा? नहीं ऊपर ऊपर ऐसे ना समझ में आते, एंगल के मुंह में बोलो, है हाँ, ए पी बी या बी पी ए, बोलो भैया ये एंगल है, आई लिख दो, समझ में आया सभी को? रिफ्लेक्शन एंगल बताओ कहां बनाऊं? इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया, नाम दे दो आप, कुछ भी नाम दे दो, लो डी नाम दे दिया, बोलो है एपीडी या डीपीए? एपीडी, डीपीए नहीं है, एक ही बात है, क्या नाम लेते हूँ? आर। क्यों ये आई और आर अलग अलग होंगे, इक्वल होंगे क्यों? अच्छा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है आपको, ये आई बराबर आर होता है, मतलब आई अगर 30 डिग्री होगा तो आर भी 30 डिग्री होगा, न कम न ज्यादा है। अच्छा 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 ये बताओ, ये तो एक रे हो गई, दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर पे गिरेगी वो परपेंडिकुलर गिरेगी, और परपेंडिकुलर गिरेगी तो उसी रास्ते से वापस लौटेगी, तो यहां काट रही है, यहां इमेज बन रही है, बी से रे निकली यहां काटनी, तो इसे क्या नाम दे दूं? बी डैश ए डैश। अब मैं कुछ इशारे कर रहा हूं, जितना आपने पढ़ा उस आधार पे आप लोग मुझे रिप्लाई करना। ये कौन है ए बी? और ये पोल, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं बताओ, है यू या माइनस यू? माइनस यू, शाबाश। सीन क्लियर है? चलो भाई ए डैश बी डैश कौन है? इमेज का पोल से डिस्टेंस, इमेज ये पोल, हाँ भैया बोलो, माइनस भी, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा ये क्या है, ये क्या है, है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे डिनोट करूं? ओ प्लस का या माइनस का? क्यों प्लस का, समझ गए? ए डैश बी डैश क्या है? लेंथ ऑफ द इमेज, यानी कि
बोलो, आई है ना, प्लस का माइनस का, माइनस का क्यों, नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, यस और नो? ठीक है, सही समझ गए आप लोग, क्लियर है सभी को? अब आप ही मुझे बताओ, ट्राइंगल एबीपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला होगा, दो ट्राइंगल को सिमिलर कब बोला जाता है, जब उनकी कोई दो प्रॉपर्टी सेम हो। देखना जरा एबीपी और ए डैश बी डैश पी में कौन सी दो प्रॉपर्टी सेम है। एबीपी में ये एंगल आई है और ए डैश बी डैश पी में ये एंगल आर है। दीक्षित बैच के बाद मिलके जाना। एबीपी में ये एंगल आई है और ए डैश बी डैश पी में ये एंगल आर है, कैसे है, इक्वल है बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये दो एंगल तो बराबर हो गए, एक प्रॉपर्टी सेम हो गई। एबीपी में ये एंगल 90 है और ए डैश बी डैश पी में ए डैश एंगल 90 है, तो हो गए दो प्रॉपर्टी सेम। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होता है। एबीपी की साइड मैंने एबी ले ली तो दूसरे की कौन सी लू, ए डैश बी डैश। सबको बात समझ में आ रही है, एबीपी की साइड अगर मैंने एबी ले ली यानी परपेंडिकुलर ले लिया तो ए डैश बी डैश पी का भी परपेंडिकुलर ही लूंगा यानी ए डैश बी डैश। एबीपी की साइड एपी ले ली तो दूसरे की कौन सी लू, एपी अपॉन ए डैश पी। समझ में आ रहा है सभी को? चलो फिगर देख के बताओ एबी कितना है, ओ प्लस का माइनस का, ए डैश बी डैश बताओ माइनस का आई, एपी बताओ माइनस यू, ए डैश पी माइनस वी। समझ रहे हो ना आप लोग, माइनस से माइनस उड़ा दूं, मेरे पास ओ अपॉन आई आ गया, मुझे एम लाना है तो मैंने बचपन में पढ़ा था एम बराबर आई अपॉन ओ होता है, आ क्या रहा है ओ अपॉन आई, पलट दूं, इसे पलटूंगा तो ये भी पलटेगा तो नजारा ऐसा हो जाएगा। बोलो भैया, हाँ आई अपॉन ओ क्या होता है, एम, इसको क्या लिखूं, वी अपॉन यू। माइनस है, माइनस नीचे लगा दोगे तो भी चलेगा, वी के साथ लगा दोगे तो भी चलेगा, बीच में लगा दोगे तो भी चलेगा, माइनस इज द बेपेंदी को लोटा, नहीं है मेरी बात समझ, कर पाएंगे हम लोग? पहले इतना देख लें, कॉन्केव मिरर से फिर कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हो गया सभी का। इसके बाद यही प्रोसेस हम लोग दोबारा कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर स्वयं आप लोग ही करें, मैं बोर्ड पे एक एक करके बहुत स्लो मोशन में करूंगा, इसलिए आप लोग अच्छे से खुद ही समझें, ठीक है। कॉन्केव मिरर से हो गया, अलग से नहीं करना है, कॉन्केव मिरर की हेल्प लेनी है और निपटाना है, क्लियर। चलो ये मैंने बनाया आप लोगों के लिए, इधर बना दूं, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है जी। ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने बना दिया बढ़िया ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है जी। हो जाओ शुरू, पहली रे कैसे ली है आपने, पोल से गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। अब अपने मन से यहाँ पर करो कैसे जानी चाहिए, पोल से ले जानी है फिर रिफ्लेक्ट करनी है, समझ गए सब लोग? ये पोल पे पड़ी, पोल ने रिफ्लेक्ट कर दिया, गॉट इट एवरीवन? चलो वहां पर एंगल आई और आर बनाए, आप बनाओ आई और आर कैसे बनेंगे। देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब इसमें इंसिडेंस एंगल बनाना है, तो बताओ भैया इंसिडेंस एंगल किस किस के बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, राइट? तो ये मेरे ख्याल से इंसिडेंस एंगल है, जो बोला पल्ले पड़ा। आर बनाओ, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, पहला खेल हो गया। दूसरे केस में क्या किया है, वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे गई है। बोलो भैया, यहां भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक बार बताओ ये बीच में कॉन्वेक्स मिरर अड़ गया, अब यहां से जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, ये गई, ठीक है जी।
अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो मिरर पे परपेंडिकुलर गिरेगी, परपेंडिकुलर गिरेगी, बताओ मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये रे कहां से आती हुई अपियर होगी। यहां तक का सीन क्लियर है सभी को? अभी भी हमारी इमेज नहीं बनी है, यस और नो? इमेज तो तब बनेगी जब दो रे इंटरसेक्ट करेंगी, एक रे तो ये हो गई, दूसरी रे यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये रे पीछे से आती हुई अपियर होगी। लिसन, यस और नो? तो यहां पर काट गई तो यहां क्या बन जाएगी, इमेज। बी से रे निकली यहां काटी तो ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? चलो नॉमिनेट करो इसको, ये ए बी है और ये पोल है, बताओ भाई इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हो? हैं जी, माइनस यू, समझ गए? डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, करेक्ट एवरीवन? चलो ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा इमेज हो गया, बताओ भैया ये डिस्टेंस कितनी है? हैं, प्लस का भी माइनस का भी, प्लस का भी क्यों, उस तरफ है, ठीक है। ये कौन है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसे डिनोट करूं, प्लस का माइनस का? अच्छा ये कौन है, हैं, लेंथ ऑफ द इमेज, प्लस की माइनस की, क्यों प्लस की? हाँ ऐसे नहीं है, ऐसे है आई, स्टेप क्लियर है सभी को? अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे ये बता दो ये एंगल कितना है, पहले तो ये बताओ आई और आर बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये एंगल कितना होगा, आर, क्यों आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ जा रहा है और ये वाली लाइन यहाँ जा रही है तो क्रॉस बन रहा है, बोलो भैया ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक बात समझ गए, क्या मैं इसे आई लिख सकता हूँ क्योंकि आई और आर भी बराबर ही है, बोलो भैया अच्छी बात है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बस चमका दो, अब आप ही बताओ, ये लिखा है मैंने ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, तो बताओ क्यों लिखा है सिमिलर, ए बी पी कहाँ गया पी, ये रहा ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इनको सिमिलर बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, देखो भैया ए बी पी में 90 डिग्री ये एंगल ए है और ए डैश बी डैश पी में ए डैश 90 डिग्री है, ए बी पी में एंगल पी ये जो है वो आई है और ए डैश बी डैश पी में ये आर है और आई और आर कैसे हैं, इक्वल है, तो दो प्रॉपर्टी बराबर हो गई इसलिए मैंने इसे सिमिलर ट्राइंगल लिखा है, ये बात समझ गए, और ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होता है, ए बी पी की साइड मैंने ए बी ले ली तो ए डैश बी डैश पी की ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ए बी पी की साइड मैंने ए पी ले ली तो दूसरे की ए डैश पी, स्टेप समझ में आ रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ए बी कितना है ये बताओ, तो ए बी मुझे दिख रहा है ओ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश कितना है, आई प्लस का या माइनस का, तो ये आई प्लस का हो गया हमारा, सीन क्लियर है सभी को, इज इक्वल टू ए पी कितना है, माइनस का यू, तो ए पी की जगह माइनस का यू, बोलो भैया ए डैश पी कितना है, ए डैश पी कितना है, प्लस का भी, तो ये प्लस का भी हो गया, आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को, अब ये मेरा ओ अपॉन आई बराबर माइनस यू अपॉन वी आ गया, ओ अपॉन आई आ रहा है मुझे आई अपॉन ओ चाहिए एम लाने के लिए, तो मैंने पलट दिया, इसे पलटूंगा तो ये आई अपॉन ओ, इसे पलटूंगा तो ये वी अपॉन माइनस यू, आई अपॉन ओ क्या होता है एम, तो इसलिए मैंने एम लिख दिया, बोलो भैया आपने देखा, देखो यहां पर माइनस यू माइनस वी माइनस आई तो भी फॉर्मूला यही आया था, और जब आपने यहां पर ये देखो v प्लस का हो गया u तो भी फॉर्मूला वही आ रहा है, दोनों ही केस में फॉर्मूला वही आ रहा है, बात समझ में आ रही है सभी को, देख लो कॉन्वेक्स से फिर आगे बढ़ूंगा, इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, उस नोट में काफी सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, जैसे कि m इज इक्वल टू, ये तो आपने देख ही लिया i अपॉन u माइनस v अपॉन u, ये तो हमने देख लिया, इसके अलावा ये भी होता है f अपॉन f माइनस u या फिर f माइनस वी अपॉन एफ, यही दिया हुआ है नोट में, कि ये भी दिया है फॉर रियल इमेजेस, ऐसे करके दिया है रियल इमेजेस m नेगेटिव वर्चुअल इमेजेस m पॉजिटिव, ये भी दिया है, और भी दिया है कुछ, लिसन एवरीवन, यहां तक सीन क्लियर है सभी को,
अच्छी बात है। कल को अगर एग्जाम में आ गया, मान के चलो मैंने तो इतना पढ़ाने के बाद आपको छोड़ दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया प्रूव दैट एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, ऐसे उसने प्रूव करवा लिया आपसे, तो आप तो कह देंगे हमें करा ही ना, ने है ना। तो भैया कायदे से इस टाइप की चीजें कराने की जरूरत भी नहीं होती, इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप स्वयं से करके आ पाए, राइट, क्लियर। इन चीजों पे ये बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कायदे से कि ये हमें कराया नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सपोज करो मैंने नहीं कराया आपको, अब आपको ये करना है तो शुरुआत कर दो। वी नो दैट, बोलो भैया ये तो जानते हैं, ये भी नहीं जानते, और लाना हमें ये है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है जी। तरीका बता रहा हूँ, समझ लो, पूरी फिजिक्स में पूरी मैथमेटिक्स में काम करेगा, जहां पर भी स्पेशली प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, दोनों में कॉमन चीजें देखो, एम एम यू यू, ये दोनों में आ रहे हैं, बिल्कुल मत चैटो इनसे। चैटने वाली चीज इसमें कौन है, वी। वी हटाना चाहोगे या लाना चाहोगे, तो इसका मतलब हमको वी को हटाना है यहाँ से, किसी भी कीमत पे वी को हटाना है। लाना क्या चाहोगे, एफ, क्योंकि हमको एफ की जरूरत है तो हम एफ लाना चाहेंगे। बस यही एक अप्रोच है जिससे आप कभी डिफीट नहीं खाएंगे, जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी लिख दो। अब चेटना हमें वी से है ना, तो यहीं से वी की वैल्यू निकाल दो। अब वी की वैल्यू आएगी कहाँ से ये भी देख लो, वी हटाना है एफ लाना है, ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है जिसमें एफ और वी दोनों आ जाए, तो हम ये जानते हैं, बोलो जानते हैं कि नहीं जानते। अब v हटाना है तो v की वैल्यू चाहिए ना, निकाल लो यहां से v की वैल्यू, कि v की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आऊं। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको, एलसीएम लिया, ऊपर क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन v आया, मुझे v चाहिए, मैं क्या करूं इसको पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा। आपको स्टेप समझ में आया, बहुत सभी को वी की वैल्यू आ गई हमारी, उठा के यहां पटक रहा हूं, तो वी की जगह क्या रख दूं, एफ यू, बोलो भैया, अपॉन में यू माइनस एफ, तो जो अपॉन में रखूंगा वो नीचे आ जाएगा, यू माइनस एफ। कितने लोगों को क्लियर हो गया यहां तक, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो एम बराबर माइनस एफ अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, नहीं है मेरे पास, समझो सीन क्लियर है, तो ऐसे हम ला सकते हैं, क्लियर है, चाहो तो लिख लो इसको क्वेश्चन, देखना हो तो नहीं रहा कहीं, हो रहा है क्या, प्रूव दैट एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू, नहीं हो रहा, नोट कर लो, प्रूव दैट एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू है ना, इसको नोट कर लो फटाफट। मैं उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा, है ना। इसी तरीके से करना, एक टास्क दे रहा हूं आपको, प्रूव दैट एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, खुद से करना है ऐसे। अच्छा, आपके जो नोट में लिखा है फॉर रियल इमेजेस, फॉर रियल इमेजेस एम इज इक्वल टू नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा, है ना। फॉर वर्चुअल इमेजेस, घोट के भी जाना है इसको, एम इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं कि रियल इमेजेस के लिए एम नेगेटिव क्यों है और वर्चुअल इमेजेस के लिए एम पॉजिटिव क्यों है, आप ही बताओ। मैग्निफिकेशन का अभी अभी ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा है आपने, एम बराबर आई अपॉन ओ, इसके लिए भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैंने इनको नेगेटिव पॉजिटिव किस आधार पर बोला है वो बता रहा हूं, आप बताओ। चलो ये कौन सा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है जी, पैरेलल आई फोकस से गई, शॉर्ट में ही बता दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ऐसे गई, यहाँ इमेज बन गई बी डैश ए डैश, क्लियर है। ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तुम्हें कैसे पता चला रियल है, तो मैं रियल इमेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है बॉस। अब आप बताओ जो भी बताना है, आई क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज, यानी ये है और ये कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी, क्यों होगी नेगेटिव, नीचे है ना,
तो नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी इसका जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, यानी ये एक पॉजिटिव। अब आप बताओ नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करोगे आंसर कैसा आएगा, इसीलिए बोला है फॉर रियल इमेजेस m इज इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर है? वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस में क्या होता था, जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज भी यही बन जाती थी सीधी। बोले भैया ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही है, इमेज भी है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करोगे तो नहीं है बात समझ। हाँ, तो किसी ने भी हमसे पूछ लिया रियल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों, वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? पूछेगा कभी नहीं, पर न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर है? याद रखेंगे? ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।